दोस्त नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश। मैं हूँ देवेश। दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपकी सेवा में 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालिसिस लेकर आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी क्रम में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी भैया मजबूरी में महानता दिखा रहे हैं, पूरी ग्लोबल मीडिया इनका सपोर्ट कर रही है। भाई साहब क्यों कर रही है, असली निशाना कौन है? तो भैया भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ब्रिटेन को भैया ढंग से सुना दिया है, कंधे पे धर के सेंक दिया है उनको। तो उधर भाई साहब रूस से भारत ने कितना स्टील खरीदा, भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई साहब मतलब भाई साहब इतनी तो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। तो भैया हमें व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो गया। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर पेप्सी जैसी कंपनियों पे चाबुक फटकार दी है। ये ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियां हैं, ये जी मोदी साहब ने कदम तो उठाया है, हमें नुकसान भी है, लेकिन इसका देश के लिए कैसे लाभ होने वाला है, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। भारत में एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो उसके लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तानी सेना में भैया जी हड़कंप मच गया है, आतंक मचा हुआ है। ये हर घटनाक्रम एक से बढ़कर एक है, आपको पक्के से मजा आएगा, आनंद के साथ वीडियो देखिएगा। अब दोस्तों मजबूरी में महानता दिखाने की कोशिश करने वाला आदमी अगर आपको देखना है तो देख लो, ये आरजी है राहुल गांधी। भाई साहब इनकी भाई साहब पूरी दुनिया में भाई साहब तूती बोल रही है। भाई साहब इतना सपोर्ट तो इनका भारत में नहीं मिल रहा जितना पश्चिमी देशों की मीडिया सपोर्ट कर रही है। मोदी ने राहुल गांधी के मुंह पे टैप बांध दिया, साइलेंस कर दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया, जैसे सब काम मोदी ने किया है, इनने कुछ नहीं किया। भाई साहब अरे हमें भैया जी सब पता है, आपको भी जानकारी है भैया जी, इनका जो टारगेट है पश्चिमी देशों की मीडिया का, ये राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये मोदी को भी टारगेट नहीं कर रहे, ये भी मत समझो आपके मोदी टारगेट है ना, इनका टारगेट भैया जी इंडिया है, इंडिया टारगेट है। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है तमाम मुश्किलों के बावजूद, उसको रोकने के लिए ये राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब आप जस्ट गूगल पे सर्च कर लो, भाई साहब इतनी तारीफ तो भैया राहुल गांधी की जिंदगी में नहीं हुई। भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं भाई साहब जैसे इनको कोई परमवीर चक्र दे दिया हो यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब भाई साहब हीरो बनने का इतना जबरदस्त शौक है इनको कि भैया जी क्या बताएं, लेकिन इनकी फिल्म पिटेगी ही पिटेगी, कुछ ना भी कोशिश कर लें भैया जी। ये अभिषेक बच्चन से गए बीते हैं, ये कुछ भी कर लें, अभिषेक बच्चन की तो एक दो फिल्में हिट हो भी गई इनकी, वो भी ना होंगी। भाई साहब इसी बीच भाई साहब जयशंकर साहब ने एक बात बोली है कि साहब ये जो ब्रिटेन के लोग हैं ये बड़े दोगले हैं। बोले क्यों? जब इनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान लगता है तो ये फड़फड़ाने लगते हैं जलविल मछली की तरह, लेकिन जब इंडिया की प्रोटेक्शन का सवाल है तो बोलते हैं अरे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जरूरत है, ह्यूमन राइट्स की जरूरत है, ऐसा कैसे भैया? दूसरा हमने आपके साथ चर्चा भी करी थी कि ये सारा खेल जो विदेशों में भारत को गाली देते हैं वो सारा खेल वीजा का है, वीजा का है, सिटीजनशिप का है भैया। अब भैया उन देशों का वीजा और सिटीजनशिप चाहिए, नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगी? भारत को गाली दे के ही मिलती है भैया जी, उनका असाइलम सिस्टम है, अगर आप गैरकानूनी ढंग से अमेरिका में पहुंच जाओ तो आपको रोना ही पड़ेगा कि भारत में मार दिया हमको, बहुत कष्ट है भारत में, हमें जेल में डाल रहा है मोदी, परेशान कर रहा है मोदी ने, हमारा घर तबाह कर दिया, ये कहोगे तभी आपको वीजा मिलेगा, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये जो इनका वीजा सिस्टम है उसका खेल है ये, इसका भैया जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मानवता से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी बात छोड़ दो, आप तो अफगानिस्तान याद है आपको, अफगानिस्तान में लोग अमेरिका की मदद करें, ब्रिटेन की मदद करें, उसके लिए भी इन्होंने वीजा और सिटीजनशिप बांटी थी, और तालिबान ने इसी का लाभ उठाया। तालिबान ने लोगों को बताया कि तुम जिन लोगों के पीछे खड़े हो रहे हो अफगान सरकार के, उन सबके पास अमेरिकी वीजा है, सिटीजनशिप है, तो इनका साथ मत दो। और ये लोग जिनको अमेरिका ने वीजा और सिटीजनशिप का लॉलीपॉप दिया था, यही लोग दौड़ रहे थे उन हवाई जहाजों के पीछे जब अमेरिका लोटा बाल्टी लेके अमेरिका से भाग रहा था। इसलिए भारत में जो पत्रकार, जो लीडर मोदी को गाली दे, इंडिया को गाली दे, उसको या तो वीजा चाहिए या सिटीजनशिप चाहिए, भारत छोड़ना है, इसलिए भारत को गाली देना। और हमारा तो सिद्धांत है, आप जो है याद रखिए इसको, पैसा कमाना है देश बेचिए, नाम कमाना है देश को गालियां दीजिए,
और वीजा चाहिए है, तो देश के साथ गद्दारी कीजिए, बस गद्दारी करो आप, वीजा सिटीजनशिप जो चाहिए आपको मिल जाएगा भाई साहब, और घर में आके देंगे आपको फ्री में। इसी बीच भाई साहब ये कदम जो मोदी सरकार ने कल उठाया है फाइनेंस बिल के माध्यम से, वो हमें व्यक्तिगत रूप से भैया फटका लगाने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो आप पूछेंगे कैसे, तो भैया जी पेप्सी में हमारा निवेश है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी हमारा निवेश है, पेप्सी कंपनी है अमेरिका की और एचयूएल कंपनी है ब्रिटेन की। तो मोदी ने क्या किया, दरअसल ये कंपनियां क्या करती हैं, इन कंपनियों के पेरेंट हैं अमेरिका और ब्रिटेन में, तो ये अपने पेरेंट को देती हैं रॉयल्टी, सालाना देती है। क्यों भैया रॉयल्टी, क्योंकि जो इनका पेरेंट है उस पेरेंट के जो प्रोडक्ट है वो भारत में भी बेचते हैं, जैसे पेप्सी है वो अमेरिका में बिकती है और भारत में भी बिक रही है, तो पेप्सी भारत में बिके इसका अधिकार अमेरिकन पेप्सी ने भारतीय पेप्सी को दिया हुआ है, इसलिए भारतीय पेप्सी अमेरिकन पेप्सी को देती है रॉयल्टी पेमेंट, हर साल जाता है मोटा मोटा जाता है। यही हिंदुस्तान यूनिलीवर भी करती है, मोटी रॉयल्टी पे करती है। तो मोदी सरकार ने कहा जे तो ना चले है भैया, 10% से बढ़ा के सीधा डबल 20% कर दिया रॉयल्टी पेमेंट। अब क्या होगा, रॉयल्टी पेमेंट ज्यादा होगा तो आजकल ये कंपनियां जो है मुकेश अंबानी से लड़ रही हैं, तो ये प्राइस तो बढ़ाना पाएंगी, तो इनकी जो बैलेंस शीट है उस पर फटका लगेगा इस टैक्स के बढ़ने का, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर बैलेंस शीट थोड़ी भी कमजोर होगी, ओह वैसे भी भैया जी बैलेंस शीट कमजोर हो या ना हो इनके शेयर तो टूटेंगे, इसलिए हमारा तो नुकसान है, लेकिन ये कदम भैया जी देश के लिए अच्छा है। हमारा नुकसान होता है चले, लेकिन देश का भला होना चाहिए वो मुद्दे की बात है। यदि इन कंपनियों को इन देशों को कम टैक्स चाहिए तो टैक्स ट्रीटी कीजिए भारत के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए अमेरिका से और ब्रिटेन से, कह रहे हैं हम कर लो भैया जी बेहतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको कम रॉयल्टी देना पड़ेगी, लेकिन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप हमारी लाइन पर नहीं लगोगे। इस तरीके से अनाप शनाप रॉयल्टी बढ़ाते जाओ, भारत का पैसा आप दूसरे देशों में भेजते जाओ, वो ना चले भैया जी मोदी सरकार के नीचे। हमारा पॉइंट यहाँ पर यही है दोस्तों, और आपसे आग्रह है कि यदि कभी आपको व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित में से किसी एक चीज को चुनना हो तो हमेशा राष्ट्र हित के साथ रहिएगा, ये रास्ता कठिन है लेकिन सही रास्ता यही है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, रूस ने भारत को स्टील पे 20 से 30% का डिस्काउंट दिया, तो भारत ने कितना स्टील खरीदा, सोचो आप 500% अधिक स्टील खरीदा है रूस से भैया जी। रूस भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टील सप्लायर बन गया है। देखो डिस्काउंट इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे भैया जी, हमने रिस्क खतरा उठाया है, पूरी दुनिया से लोहा लेकर रूस से स्टील खरीदा है, इसलिए रूस से उम्मीद है कि भैया जी आप भी भारत से माल खरीदो। अब दोस्तों बोइंग और एयरबस से हमने बहुत एरोप्लेन खरीद लिए, तो मोदी सरकार का कहना है कि भैया जी बहुत बेच लिए, अब यही बनाओ, किस चीज का इंतजार है आपको, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब कि आप जो है सिर्फ दूसरे देशों में बना के हमारे देश में डंप करते चले जाओ, ना ना भाई साहब यही बनाइए यही बेचिए। इसी बीच भैया पाकिस्तानी आर्मी के तो भैया जी ऐसी तैसी हो गई भाई साहब, इनकी तो भैया जी क्या बताएं, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, क्यों भैया जी बजट कट रहा है, पैसा कट रहा है भाई साहब, आईएमएफ से डील हो रही है उसके लिए भाई साहब इनको डिफेंस बजट काटने को कहा है आईएमएफ ने, उससे बड़ी चीज भैया जी इमरान खान को नहीं पकड़ पाए, सोचो मतलब इससे ज्यादा इनकी बदनामी हो नहीं सकती, इतना तो भैया जी शेख मुजीबुर रहमान के जमाने में नहीं हुआ था, उनको तो कम से कम गिरफ्तार कर लिया था, खान साहब को तो गिरफ्तार ही नहीं कर पाए, नाक कट गई इनकी। अपने सैनिकों को सिपाहियों को ये जो है जमीन बांटते हैं, पैसा खूब बांटते हैं, उस पर आईएमएफ ने सवालिया निशान लगा दिया, तो अब क्या करें भाई साहब, उसके लिए मीटिंग चल रही है। हमने कहा भैया जी इन मीटिंगों से भैया जी कछू ना होना जाना, इनकी जो सेना है वो अपने हित साध लेगी भैया जी, चीन से बराबर पैसा आ रहा, $2 बिलियन आए हैं अभी, कल परसों की बात है, लगातार रोल ओवर फैसिलिटी मिली हुई है, चीन पाकिस्तान को कभी नहीं डूबने देगा, क्यों नहीं डूबने देगा, क्योंकि चीन का टारगेट इंडिया है, आपको तो पता है चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है इंडिया से निपटने के लिए, इसलिए $1-2 बिलियन जा रहे हैं, जान दो चीन को टेंशन नहीं है। रही बात दोस्तों पाकिस्तान की, तो वो तो ऐसा देश है कि भीख मिलने पर भी वो बूंदी के लड्डू बांटने लगते हैं मोहल्ले में, तो उनकी स्थिति सुधरेगी भैया जी, 90% जो उनका जीडीपी है वो पूरा चला जाता है कर्जे को चुकाने में, कैसे इनकी हालत सुधरेगी, असंभव है भैया।
अब दोस्तों आप में से जो लोग शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं वो जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं सीख लीजिए आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स के माध्यम से, क्योंकि वो दो कलाएं आपको मदद करेंगी बाजीराव की वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी को समझने में। ये स्ट्रेटजी कमाल है जिसके बल पे बाजीराव ने 41 युद्ध लाइन से बराबर जीते थे। आप भी शेयर मार्केट में हर लड़ाई जीतेंगे इस रणनीति के बल पर। साथ में यदि आप शेयर मार्केट में हैं, आपको जो है गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाना है और मार्केट अगर वहीं का वहीं है तो पैसा कमाना है, तो आपको ज्वाइन करना होगा आत्मनिर्भर फ्यूचर्स एंड आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स। जिस कोर्स में आपकी श्रद्धा है उसे ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक। जल्दी ही रामनवमी का और हनुमान प्राकट्योत्सव का उत्सव आ रहा है जिस पर हम दे रहे हैं 50% तक का भारी भरकम डिस्काउंट आप सभी के आदेशानुसार। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।